रिसेंटली आपने देखा या सुना होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी पार कर गई। 33, 34, 40, 50, 60। हालांकि इसके पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन में तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ चुकी है और 180 की स्पीड पर भी ग्लास से पानी तक नहीं गिरा था। तो क्या वंदे भारत ट्रेन ही अपने देश की फास्टेस्ट ट्रेन है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वंदे भारत ट्रेन के अलावा भी गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसे कई सारे ट्रेन को लॉन्च किया गया है जो कि काफी ज्यादा स्पीड से रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है। राजधानी एक्सप्रेस तो 50 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। बीच में शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसी कई सारी ट्रेन लॉन्च हुई है। तो आइए जानते हैं अपने देश की टॉप 7 फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में। तो फास्टेस्ट ट्रेन में नंबर 7 पर है दुरंतो एक्सप्रेस। 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली दुरंतो एक्सप्रेस को 2009 में लॉन्च किया गया था और ये काफी स्पेशल ट्रेन थी क्योंकि इस ट्रेन का सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन के अलावा कोई भी स्टॉपेज नहीं था। एकदम एरोप्लेन के जैसे एक बार ट्रेन में बैठिए और सीधे डेस्टिनेशन स्टेशन पर ही ट्रेन से उतरिए। मतलब अगर ये दुरंतो एक्सप्रेस सियालदह से नई दिल्ली के बीच चल रही है तो सियालदह के बाद सीधे ये ट्रेन नई दिल्ली में ही रुकेगी। बीच में इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं होगा। नॉन स्टॉप 17 से 18 घंटे तक ये ट्रेन चलती रहेगी। हालांकि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, स्टाफ चेंज करने और कुछ टेक्निकल वर्क के लिए ये ट्रेन बीच में रुकती थी, लेकिन बीच में किसी भी स्टेशन पर इस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग नहीं होता था। तो स्टार्टिंग में ये नॉन स्टॉप ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसमें चेंजिंग किया गया। 2016 के बाद बीच के सभी प्रमुख स्टेशन पर इसका स्टॉपेज दिया गया। अभी अपने देश में टोटल 24 रूट में दुरंतो एक्सप्रेस ऑपरेट होती है, लेकिन सबसे फास्ट दुरंतो सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस ही है जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में सियालदह रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में ऑपरेट होती थी, लेकिन अब इस ट्रेन का विस्तार बीकानेर तक कर दिया गया है। दुरंतो एक्सप्रेस के कोच का कलर कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है। तो फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट में नंबर 6 पर है गरीब रथ। गरीब रथ यानी कि गरीब की गाड़ी, कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन नहीं। फुल्ली एयर कंडीशन ये ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और कुछ रूट में तो राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा इस ट्रेन की प्रायोरिटी दी जा रही थी। 2006 में बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच पहली गरीब रथ की शुरुआत हुई थी, जिसका कंसेप्ट था गरीबों को सब्सिडाइज्ड रेट पर एयर कंडीशन में यात्रा करवाना। नॉर्मल ट्रेन के थर्ड एसी के कंपेयर में गरीब रथ का किराया 30-40% कम होता है। गरीब रथ की भी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और दुरंतो एक्सप्रेस की तरह ही गरीब रथ भी कई सारी रूट में ऑपरेट होती है, लेकिन सबसे फास्ट गरीब रथ मुंबई के बांद्रा से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच ऑपरेट होती है। तो फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट में नंबर 5 पर है राजधानी एक्सप्रेस। हालांकि आजकल वंदे भारत ट्रेन की काफी ज्यादा क्रेज है, लेकिन ये ट्रेन पिछले 50 सालों से इंडियन रेलवे में धाक जमाकर बैठी है। राजधानी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कुछ रूट में तेजस एक्सप्रेस के कोच से राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर दिया गया है, तो इसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर हो गई है। पहली राजधानी एक्सप्रेस आज से लगभग 54 साल पहले यानी कि 1 मार्च 1969 को ही लॉन्च किया गया था नई दिल्ली से हावड़ा के बीच। ये ट्रेन उस जमाने में मात्र 17 घंटे और 20 मिनट में हावड़ा से नई दिल्ली पहुंचती थी। 1972 में मुंबई राजधानी को लॉन्च किया गया जो कि मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच ऑपरेट होती है, और उसके बाद सभी राज्यों की राजधानी से देश की राजधानी को कनेक्ट करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत होने लगी। अभी टोटल 25 रूट में राजधानी एक्सप्रेस ऑपरेट होती है। लगभग सभी प्रमुख राज्यों की राजधानी से दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन के लिए राजधानी एक्सप्रेस ऑपरेट होती है, लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए कोई भी डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस लॉन्ग डिस्टेंस के रूट में ऑपरेट होती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर को भी कोई भी राजधानी एक्सप्रेस नहीं मिली है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट की कैपिटल सिटी तक अभी तक रेल नहीं पहुंची है। एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसके लिए कोई भी डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के अलग होने के कारण राजधानी एक्सप्रेस
तेलंगाना से ऑपरेट होती है। राजधानी एक्सप्रेस की कोच रेड कलर की होती थी, लेकिन अब ज़्यादातर LHB कोच भी इसी कलर में बन रहे हैं। लेकिन अब कुछ राजधानी एक्सप्रेस को तेजस के कोच में अपग्रेड किया गया है और इस तरह के ट्रेन को तेजस राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। सबसे फास्ट राजधानी एक्सप्रेस भी तेजस राजधानी एक्सप्रेस ही है, जो कि मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच ऑपरेट होती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। तो फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट में नंबर 4 पर है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड तो 160 किलोमीटर पर आवर है और वो तो इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर है, तो फिर 150 की स्पीड वाला शताब्दी एक्सप्रेस आखिर 4th पोजीशन पर कैसे? तो तेजस राजधानी ओरिजिनल राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड तो 140 किलोमीटर पर आवर ही है। कुछ राजधानी एक्सप्रेस को तेजस के कोच से अपग्रेड किया गया है, जिस कारण से इसकी स्पीड बढ़ी है। लेकिन तेजस एक्सप्रेस की तो अपनी अलग आइडेंटिटी है और जिसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस आज से लगभग 35 साल पहले यानी कि 14 नवंबर 1988 को लॉन्च किया गया था, जो कि अभी नई दिल्ली से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच ऑपरेट होती है। यही ट्रेन सबसे तेज शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि 1988 से लेकर 2016 तक भारत की सबसे फास्ट ट्रेन थी। अभी टोटल 21 रूट में शताब्दी एक्सप्रेस ऑपरेट होती है। फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट में नंबर 3 है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी डिजाइन स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस ट्रेन की भी परमिसिबल स्पीड केवल 130 किलोमीटर पर आवर ही है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेन को दौड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना पड़ेगा। तेजस एक्सप्रेस काफी लग्जरियस ट्रेन है, जिसमें एरोप्लेन के एयर होस्टेस के तर्ज पर ट्रेन होस्टेस होती है। इसके अलावा और भी काफी सारी मॉडर्न फैसिलिटी मिलती है इस तेजस एक्सप्रेस में। पहली तेजस एक्सप्रेस 24 मई 2017 को मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से गोवा के करमाली के बीच शुरू हुई थी। इसके बाद कई सारे रूट में इस ट्रेन को चलाया गया। 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, जो कि IRCTC के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ये तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा चलाई जाती है। अभी ज़्यादातर तेजस एक्सप्रेस को इंडियन रेलवे के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, जबकि कुछ तेजस एक्सप्रेस को IRCTC ऑपरेट करती है। और अब तो राजधानी एक्सप्रेस को भी तेजस के कोच से ही अपग्रेड किया जा रहा है। मुंबई राजधानी, पटना राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी और अगरतला राजधानी एक्सप्रेस को तेजस के रैक से रिप्लेस कर दिया गया है और अब इन सभी ट्रेन को तेजस राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट में नंबर 2 पर है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग में ये ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच ऑपरेट होती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से इसका विस्तार रानी लक्ष्मीबाई झांसी तक कर दिया गया है और बीच में इसका स्टॉपेज ग्वालियर में भी दिया गया है। दिल्ली से आगरा तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया गया है, जिसमें ये ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ती है, लेकिन आगरा के बाद फिर इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर ही रह जाती है। तो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से रानी लक्ष्मीबाई झांसी के बीच ऑपरेट होने वाली गतिमान एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन है। कोई भी दूसरी गतिमान एक्सप्रेस को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 और अपने देश की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना क्रेज है कि इस ट्रेन के बारे में सब जानते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। वंदे भारत एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर और ट्रायल रन में तो 180 की स्पीड को भी ये ट्रेन पार कर चुकी है। वंदे भारत ट्रेन इतना पॉपुलर हो रहा है कि हर एक रूट में इसकी डिमांड की जा रही है। वैसे अभी तक टोटल 13 वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है और इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड सारे वीडियोस को देख लीजिए।
तो अपने देश में ऑपरेट होने वाली सभी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में अभी हम लोगों ने जान लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाई स्पीड क्या, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में भी इनमें से कोई भी ट्रेन फिट नहीं बैठती है, क्योंकि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को दौड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक को भी अपग्रेड करना होगा। अपने देश के ज्यादातर रूट में रेलवे ट्रैक पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। अभी तक केवल दिल्ली से आगरा तक ही रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया गया है, जिसमें ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। तो तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर या इससे ज्यादा की स्पीड से भी दौड़ सकती है, लेकिन इसके लिए रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना होगा। लेकिन हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन भी अब अपने देश में बनाया जा रहा है। हाई स्पीड रेल का पहला कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3 साल में इस रूट में 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। इधर दिल्ली NCR में भी RRTS बनाया जा रहा है, जिसमें 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रैपिड रेल दौड़ेगी। RRTS के दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन में तो काम अब फाइनल स्टेज में है और जून में इसमें ट्रेन शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट ट्रेन कौन सा है। वैसे मेरा तो अभी भी फेवरेट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ही है। तो इतने पैसेंस के साथ आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, इसीलिए कमेंट करके आप अपनी फेवरेट ट्रेन के बारे में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।